लैया कोटशुटा राजनपुर डेरा गाजी खान या कोहे सुलेमान सैलाब हर तरफ छोड़ गया तबाही की दास्तान। मकान जमीन बोझ फसलें तबाह और जानवर पानी की नजर। जनूबी पंजाब में सैलाब ज्यादा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले दादरसी के मुंतजर। सैलाबी पानी में मैसूर कोटशुटा के मकीन बेयारो मददगार इंतजामिया की रहसी पर होने लगे ख्वार। घर और फसलें सैलाब की नजर। माल मवेशी सैलाबी रेला बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकाम से दादरसी की अपील। जामपुर में रोड कोही का पानी पीछे छोड़ गया बेबसी की कहानी। फाजिलपुर के चकपतियात में तबाही फसलें और घर मलियामेट। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब के बाद इंतजामिया की जानिब से बहाली का अमल ना शुरू हो सका। सैलाब मुतासरीन बहाली के लिए हुकूमत और मुहैयर हजरात की राह तकने लगे। कौनसा के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। गंदगी और सैलाब के जमा पानी से लोग होने लगे बीमार। वजीर आला की जानिब से इमदाद का ऐलान काम न आया। वजीर आला के दौरे के बाद इंतजामिया ने सैलाबी इलाकों से मुंह मोड़ लिया। दुखी मुतासरीन का हुकाम से घर दो वक्त की रोटी की फराहमी का मुतालबा। उधर चाचा सरी में भी सैलाब से तबाही। हुकूमत की तरफ से इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन सराप एहतजाज। हालिया बारिशों ने किया परेशान। मुश्किल में आ गए जनूबी पंजाब के किसान। कहनौर पक्का में बारिश का पानी जमीनों में खड़ा रहने से 22,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल तबाह। रही सही कसर सफेद मक्खी और सुंडियों ने निकाल ली। जनूबी पंजाब तबाही मचाने लगा। दरिया चनाब रंगपुर के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और घर दरिया बुर। दरियाई कटाव से परेशान ब्राह्मपुर के वकील सराप एहतजाज। महकमा इनहार और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी। बन साहिब बने के ढाढ़ा फुट लूज मिट्टी पाई गई है पर बन थोड़े सामने गिरदा खड़ा है। सारी जमीन शहर कटाव ज्यादा होता भी है। इनका कोई फायदा भी नहीं हुआ। कटाव भी बहुत ज्यादा हो गया है। कई बार आला अफसरान आए हैं, हमने उनसे कहा है, वो कभी कहते हैं हमें हम स्टड लगवा के दे गए, कभी कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। जनूबी पंजाब के वासी हो जाए तैयार। पीडीएमए ने दरिया चना में फिर सैलाब के खतरे से कर दिया खबरदार। मानसून का नया स्पेल 12 से 14 अगस्त तक आने का इम्कान। पीडीएमए ने मुतलिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान डीजी खान डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तहसील ईसा खेल के बरसाती नदी नालों में भी तोहयानी का खदशा। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स से हर कोई परेशान। चुंगी नंबर 14 के मकीन सराप एहतजाज। हुकूमत और मेपको के खिलाफ नारेबाजी। सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। शहरियों का इजाफी टैक्स को खत्म करने का मुतालबा। इंतहाई जालमाना टैक्स लगाए गए हैं। जिनका 2000 का बिल आता था उनका 8-8 हजार का बिल आया हुआ है। गरीब आवाम वैसे रोजगार के लिए तंग है, ऊपर से ये जालमाना टैक्स लगा दिया गया है। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत को गरीब की कोई परवाह नहीं। आप ये बिल कैसे भरेगा? ये वहाँ वफाक आवाम के साथ क्या करना चाह रही है? वो जीने का हक देगी? क्या खाएं क्या पकाएं, महंगाई के जिन को काबू में कैसे लाएं? मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू। अदरक लहसुन और लीमू की ट्रिपल सेंचुरी। मटर 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। भिंडी 160 और तोरी 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बेगाम डॉलर की ब्रेक के इंजाम। अमरीकी करेंसी का अब नहीं रहा ऊंचा दाम। डॉलर मजीद 3 रुपए 16 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के बड़े नाम उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कर लिया इकरार। जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब ज़ादा इफ्तखार अहमद खान कहते हैं मुल्तान बहावलपुर और डीजी खान में पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हो गई। डीजी खान से पीटीआई के बड़े नाम रबते में हैं। पार्टी क्यादत जल्द फैसला करेगी।
मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के हवाले से मरकजी तंजीम लाइसेंसदारी आजादारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मरकजी तंजीम लाइसेंसदारान आजादारी मजीन अब्बास का कहना था, मुहर्रम उल हराम पर अमन और भाईचारे के माहौल में गुजरा। जनूबी पंजाब के कमिश्नर्स, डीसीज, आरपीओ, सीपीओज और डीपीओ समेत तमाम महकमों के मस्कूर हैं। डीपीओ और डीसी की मियां सन्नू में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता और सबसे लंबी थ्रो का रिकॉर्ड भी कायम किया। अकलीतों का दिन, रहीम यार खान में कैथोलिक चर्च के जेर एहतमाम चौथी आजादी मैराथन रेस। 76 एथलीट्स ने रेस में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इसफाक, फादर इमरान खुर्शीद की शिरकत, पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम। दिल से निकले गीना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। बाजारों और मार्केटों में पाकिस्तानी परसमों की बहार। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में शहरी जश्न आजादी की खुशी मनाने के लिए तैयार। 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी सरगर्म, खरीदारी में मसरूफ।